This is Masjid Nabi, gate number 8. अभी मगरिब की नमाज हो गई है और उसके बाद का टाइम है ये, और लोग अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो ईशा की अजान होगी और फिर नमाज होगी। अभी थोड़ा टाइम है। मैं ट्राई करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके रोज़े मुबारक की तरफ बढ़ता हूँ। होपफुली के कुछ जगह मिल जाएगी आप लोग, ताकि व्यू कर लें। इस तरफ से जाएंगे तो सामने बिल्कुल जो आपको कॉर्नर में नज़र आ रहा है वो वो कोने में जो फानूस लगा हुआ है उससे अंदर रास्ता जाता है सीधा रैसुल जन्ना की तरफ, और साथ में ही अगर आपको वहाँ पर अंदर खुल जाना है तो उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और मैंने ये इसका गेट नंबर 5 है। ये जो आप सामने दरवाज़ा देख रहे हैं रोशनियों से भरा हुआ है, इसके अंदर सीधा जाएंगे तो रियाजुल जन्ना के एरिया भी है और सब है। मैं आपको लेके जाता हूँ, जूते पहन लो, मैं जूते उतार देता हूँ। My country, African Egypt. Like over from me. Like a lot. Now I accept our prayer. Don't forget me to pray. When you are praying, remember.
یہ سامنے وہ ممبر ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنا آخری خطبہ بھی یہیں دیا. یہاں پر ہی نوافل ادا کیے جاتے ہیں. سامنے وہ سبز والا جو ہے سبز جو ہے اس کے پیچھے آپ قبریں مل رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.
ہم آپ سے اپنی شفاعت کی طلبگار ہیں قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تمام صغیر اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہاں پر یہ ختم ہوتا ہے، یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے اور باہر نکل آتے ہیں آپ، اور آپ سب لوگ بھی زیارت کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے۔ اپنی دعا میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔